बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 8 अप्रैल को जोधपुर आएंगे और यहाँ रामलीला मैदान में सामूहिक विराट हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। इसके साथ ही वे दिव्यादात्मिक सत्र का आयोजन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है और कार्यक्रम स्तर पर पदाधिकारियों ने शुक्रवार को हवन पूजन किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना एक वीडियो जारी कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने की जानकारी दी और आम जनता को इनवाइट किया। आयोजन तैयारी को लेकर शहर भर में गजब का उत्साह माहौल है। रामनवमी महोत्सव समिति अध्यक्ष काबरा ने बताया कि सनातन संस्कृति की ध्वजा का परचम विश्व में लहराने के साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के अभियान में जुटे बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आध्यात्मिक सहित राष्ट्र रक्षा नारी सुरक्षा और समरसता के साथ ही अन्य विषयों पर प्रवचन देंगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति यह कार्यक्रम करवा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने एक वीडियो जारी कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने की जानकारी दी है और लोगों से यहां जुटने का आह्वान किया है।